हेलो बच्चों, मैं सरोज सैनी फ्रॉम जीएसएस एलसी सर जेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपकी राइटिंग स्किल का पार्ट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है बच्चों? विज्ञापन। तो बच्चों, विज्ञापन क्या है? एकदम बहुत ही सटीक फैक्ट्स ही उसमें दर्शाए जाते हैं, अनावश्यक एग्जाम्पल्स वगैरह नहीं दिए जाते। आजकल देखते हैं बच्चों, जो भी न्यूज़पेपर खोलते हैं उसमें पूरे विज्ञापन से वो भरा रहता है। कई प्रकार के विज्ञापन दिए जाते हैं, जैसे वर चाहिए, वधु चाहिए, या फिर ये हाउस है, ये बिक्री के लिए है या किराए पर है, तो कोई वाहन मिल गया या कोई चीज खो गई पाया मिल गई है, तो हर प्रकार के विज्ञापन आजकल दिए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि कितने टाइप्स के एडवर्टाइजमेंट होते हैं और फिर उसके बाद में हम इसके फॉर्मेट देखेंगे। तो जो डिफरेंट हेयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, विभिन्न प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट वी टेक मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स कौन से होते हैं? जो वैवाहिक विज्ञापन होते हैं। तो मैट्रिमोनियल्स हो गए वैवाहिक। सेकेंड टाइप के होते हैं जो प्रॉपर्टी परचेज एंड सेल वाले, जिसमें कोई भी अपनी प्रॉपर्टी हम उसको बेचना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी हम खरीदना चाहते हैं, उसके लिए कैसे एडवर्टाइजमेंट देंगे। तीसरा टाइप होगा हाउस फॉर सेल, कोई अपना घर बेचना चाहता है या वो कोई नई जगह जा रहा है तो पुराना मकान बेचना चाहता है, तो उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट देंगे, वो कैसे उसका फॉर्मेट होगा। लॉस्ट एंड फाउंड वाले, तो कई एडवर्टाइजमेंट में होता है कोई चीज आपको मिली है या कोई चीज आपकी खो गई है, उसके लिए आप अखबार में विज्ञापन दोगे। सिचुएशन वेकेंट, किसी संस्था में कोई कंपनी है वहां पे कोई पोस्ट खाली है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सिचुएशन वेकेंट का एडवर्टाइजमेंट। या फिर सिचुएशन वांटेड, हमें कोई नौकरी चाहिए तो हम लिखेंगे कि हमें इस जॉब के लिए मेरे या ये क्वालिफिकेशन है, ये एजुकेशन मैंने किया है, तो मैं ये पोस्ट चाहता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो चीज लिखेंगे हम सिचुएशन वांटेड में। टू लेट, आप कोई अपना मकान या कोई चीज किराए पर देना चाहते हो तो उसके लिए हम लिखेंगे टू लेट वाले एडवर्टाइजमेंट। तो बच्चों, कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट। मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है बच्चों? वर या वधु है, जो ब्राइड है, ब्राइड ग्रूम है, उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं। तो बच्चों, अब देखते हैं हम मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट। मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट में वैवाहिक विज्ञापन। तो बच्चों, वैवाहिक विज्ञापन दिए जाते हैं, उसमें क्या होता है? या तो वर चाहिए या वधु चाहिए। जैसे कि आपको वधु चाहिए तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या है, जो भी अपना ब्राइड ग्रूम है उसकी डिटेल्स हमें देंगे, जो भी अपना भावी ब्राइड ग्रूम है उसकी डिटेल्स देंगे। उसके बाद हमें जो ब्राइड है उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, उसकी डिटेल्स दी जाएंगी। थर्ड स्टेप पे हम उसकी सिंपल मैरिज करेंगे या डिसेंट मैरिज करेंगे, वो चीज देंगे। फोर्थ स्टेप पे बच्चों हम क्या देंगे कि उसके जो फोटोग्राफ है या उसकी जो बायोडाटा है वो मंगवाएंगे। फिफ्थ स्टेज में हम क्या करेंगे कि वो हम हमारा एड्रेस देंगे और कॉन्टेक्ट नंबर देंगे ताकि वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सके। तो देखते हैं बच्चों, इसका फॉर्मेट ऐसे लिखा कैसे लिखा जाएगा। इसमें फॉर्मेट में क्या होगा, पहले एक बॉक्स हम बना लेंगे ऐसे अपनी नोटबुक में, और फिर उसमें ऐसे लाइन खींचेंगे, और उसके अंदर बच्चों क्या है, कैपिटल लेटर में हम लिखेंगे ब्राइड वांटेड, मतलब वधु चाहिए। तो कैपिटल लेटर में लिखा है ब्राइड वांटेड। अब उसके बाद में फर्स्ट स्टेप में हम क्या डिटेल्स देंगे, डिटेल्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव ब्राइड ग्रूम, मतलब जो भावी वर है या भावी जो दुल्हा है उसकी हम क्या है पहले डिटेल्स लिखेंगे। तो कैसा है वो, जैसे हम अपनी तरफ से बताएंगे कि स्मार्ट एंड हैंडसम है, उसकी एज बताएंगे बच्चों, फिर उसकी हाइट कितनी है, वो किस कास्ट का है और वो क्या जॉब करता है, ये चीजें हमें जो ब्राइड ग्रूम है उसकी डिटेल्स में ये पॉइंट हमें दर्शाने हैं। उसके बाद में बच्चों दूसरे स्टेप पे हम क्या लिखेंगे, डिटेल्स ऑफ द डिजायर्ड ब्राइड, जो वांछित या इच्छित जो दुल्हन है उसकी डिटेल्स हम देंगे कि उसे हमें क्या क्या गुण उसके अंदर चाहिए। तो उसके लिए बच्चों क्या लिखेंगे कि वो कैसी होनी चाहिए, स्लिम एंड ब्यूटीफुल होनी चाहिए, उसकी भी एज लगभग कितने लगभग एज की होनी चाहिए, या उसकी हाइट
या वेल एजुकेटेड होनी चाहिए वो, उसकी कास्ट क्या है और स्टेटस उसका कैसा है, तो ये डिटेल्स हम उसमें देंगे। फिर क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ मैरिज, मतलब किस टाइप की शादी करना चाहते हैं, ज्यादा ही खर्चीली है या सिंपल है, किस टाइप की मैरिज होगी, तो उसकी डिटेल्स दे देंगे कि अर्ली मतलब जल्दी करना चाहते हैं या लेट करना चाहते हैं, सिंपल मैरिज करेंगे या डिसेंट मैरिज करेंगे। फिर बच्चों उसमें चौथे स्टेप पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि बायोडाटा एंड फोटोग्राफ वो सेंड करें हमें, तो इसके लिए चौथे नंबर पे हमें लिखना है बायोडाटा एंड फोटोग्राफ सेंड करने के लिए। पांचवें नंबर पे बच्चों हम लिखेंगे अपना एड्रेस देंगे और अपने कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, ताकि अगला हमसे क्या है कॉन्टेक्ट कर सके। अगर हम अपने एड्रेस को हाइड नहीं करना चाहते हैं तो क्या है, न्यूज़पेपर वाले हमें एक बॉक्स नंबर प्रदान करते हैं, वो बॉक्स नंबर हमें लिख देंगे। तो बच्चों ये था फॉर्मेट, जिसमें सबसे पहले क्या है जो ब्राइड ग्रूम है उसकी डिटेल्स आएंगी, दूसरे नंबर पर जो ब्राइड है वो कैसी चाहिए उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, तीसरे नंबर पर किस टाइप की मैरिज हम करने वाले हैं, चौथे नंबर पर उसके फोटोग्राफ और बायोडाटा भेजने के लिए हम कहेंगे, और पांचवे नंबर पर अपना एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर हम देंगे। तो देखते हैं एक मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट करके आगे। तो बच्चों हम देखते हैं कैसे मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट का क्वेश्चन आएगा और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन है मिस्टर राकेश शर्मा, तो मतलब कौन है इसमें व्यक्ति, मिस्टर राकेश शर्मा है, इज लुकिंग फॉर, तलाश कर रहे हैं फॉर ए ब्राइड, मतलब इस एडवर्टाइजमेंट में क्या है कि क्या चाहिए, वांटेड क्या है, ब्राइड है, मतलब उनको एक दुल्हन की तलाश है, किसके लिए, फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, तो आपको विज्ञापन लिखना है, टू बी पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल्स, जो वैवाहिक कॉलम होते हैं, कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर, मतलब एक न्यूज़पेपर के जो मैट्रिमोनियल्स कॉलम है उसमें आपको ये एडवर्टाइजमेंट देना है। तो इसमें बच्चा नाम क्या बताया है, मिस्टर राकेश शर्मा तो व्यक्ति है और वो अपने बेटे के लिए ब्राइड ढूंढना चाह रहे हैं, तो इसकी कास्ट क्या होगी बच्चों, शर्मा। अब हम इसका फॉर्मेट बना के देखते हैं, इस प्रश्न को करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे अपनी कॉपी में और उसमें क्या ऐसे लाइन खींच लेंगे, सीधी लाइन खींचेंगे। अब यहां पे बच्चों क्या लिखना है हमें, ब्राइड वांटेड, ब्राइड वांटेड लिखेंगे, वो दुल्हन हमें चाहिए तो वो कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, ब्राइड वांटेड, इसको बच्चों आपको क्या है एकदम कैपिटल लेटर में ही लिखना है, तो बॉक्स के अंदर ऊपर लिख देंगे ब्राइड वांटेड। अब बच्चों क्या लिखेंगे, अलायंस, पहले हमें क्या देनी है, जो दूल्हा है ब्राइड ग्रूम है उसकी डिटेल्स देनी है, फिर हमें किस प्रकार की लड़की चाहिए उसकी डिटेल्स आएंगी, तो सबसे पहले देते हम जो अपना ब्राइड ग्रूम है उसकी डिटेल्स, तो अलायंस वांटेड, अलायंस वांटेड फॉर ए स्मार्ट एंड हैंडसम क्या कास्ट बताइए इसमें क्वेश्चन में, शर्मा और शर्मा बॉय, ठीक है बच्चों। अलायंस वांटेड मतलब संबंध आमंत्रित किए जाते हैं, संबंध चाहिए, अलायंस क्या मतलब होता है, संबंध या सगाई करना, तो अलायंस वांटेड फॉर ए स्मार्ट एंड हैंडसम शर्मा बॉय, तो बच्चे की किस टाइप का लड़का है, स्मार्ट एंड हैंडसम है। उसके बाद बच्चों हम उसकी क्या दर्शाएंगे, उसकी एज और हाइट, तो एज लगभग क्या है, मैरिज की एज होती है 25 मान लेते हैं, 25th एज, और हाइट उसकी मान लेते हैं 5'7", ये उसकी हाइट है, ठीक है।
कास्ट शो कर दी है और उसकी एज कर दी है, उसकी हाइट कर दी है। फिर वो मतलब उसकी क्या आनी चाहिए, उसकी जॉब आनी चाहिए, वो क्या कार्य करता है। तो हम बच्चों शो करेंगे कि वो क्या है, गवर्नमेंट इम्प्लॉई है या गवर्नमेंट लेक्चरर लिख सकते हो, जो गवर्नमेंट लेक्चरर इन कोई भी प्लेस का नाम दे देंगे, इन अलसी से कर देते हैं। तो जो अपना ब्राइड ग्रूम है दूल्हा, वो कैसा है, स्मार्ट एंड हैंडसम है, शर्मा बॉय है, 25th एज है, 5.7 हाइट होगी उसकी, गवर्नमेंट लेक्चरर इन अलसी सर, वो क्या गवर्नमेंट लेक्चरर है इंग्लिश में। तो बच्चों इसमें हमने क्या है, ब्राइड ग्रूम है उसकी पूरी डिटेल्स अब दे दी है। अब हम जो हमें लड़की कैसी चाहिए, जो ब्राइड वैसी कैसी चाहिए, उसकी हम डिटेल्स लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे आगे, लुकिंग फॉर ए स्लिम एंड ब्यूटीफुल। तो क्या लिखेंगे कि हम तलाश कर रहे हैं एक स्लिम सी, पतली सी और सुंदर सी गर्ल की। लुकिंग फॉर ए स्लिम एंड ब्यूटीफुल गर्ल, लड़की क्या है, सुंदर और स्लिम होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए बच्चों, अच्छी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड होनी चाहिए, साथ में कैसे होनी चाहिए, अच्छी पढ़ी लिखी हो और फ्रॉम ए स्टेटस फैमिली, मतलब एक अच्छे परिवार से होनी चाहिए, फ्रॉम ए स्टेटस फैमिली। ये लिखेंगे, फिर बच्चों हम अपनी तरफ से दे सकते हैं कि भाई कई होते हैं कि जाति को मानते हैं कि भाई उसी जाति में होना चाहिए, कई मानते हैं कि उसी जाति में नहीं होना, अन्य जाति में भी कर सकते हैं संबंध। तो वो क्या है, कास्ट उनको जातिगत बंधन है या नहीं वो हम शो करेंगे। तो क्या करेंगे, कास्ट नो बार, मतलब जातिगत बंधन नहीं है कि कोई भी जाति का उनसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। नो डोरी ये लिख सकते हैं, कोई दहेज नहीं लिया जाएगा। तो ये बातें भी हम डिटेल तय कर सकते हैं। फिर थर्ड अपना अगला स्टेप है, मैरिज किस टाइप की होगी, तो हम लिखेंगे सिंपल एंड डिसेंट सिंपल मैरिज। तो किस टाइप की मैरिज करना चाहते हैं, सिंपल मैरिज, तो बच्चों इसमें हमने क्या है, जो ब्राइड ग्रूम है उसकी डिटेल्स दे दी, किस टाइप की लड़की की हमें तलाश है उसकी डिटेल्स दे दी, अब हम लिखेंगे उसके बायोडाटा और उसकी रिसेंट हाल ही की जो फोटोग्राफ है उसके लिए। तो क्या लिखेंगे, राइट विद कंप्लीट बायोडाटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ। इसका मतलब क्या बच्चों, कि आप पूरे बायोडाटा और हाल ही की फोटो के साथ हमसे लिखें। अब लिखने के लिए क्या चाहिए बच्चों, एड्रेस देंगे और कॉन्टेक्ट नंबर देंगे। टू, राइट विद कंप्लीट बायोडाटा एंड रिसेंट फोटोग्राफ। टू, अब हम अपना एड्रेस देंगे, एड्रेस क्या था बच्चों, राकेश कुमार का था और वो अपने बच्चे के लिए क्या है विज्ञापन दे रहे हैं, तो लिख देंगे टू राकेश कुमार, एड्रेस बना देंगे कोई भी, क्योंकि वैसे कोई एड्रेस नहीं दिया है, तो टू राकेश कुमार मेन मार्केट, या और कोई एड्रेस बना सकते हैं, वार्ड नंबर 7 अलसी सर झुंझुनू। तो ये एड्रेस हो गया, और इसके साथ क्या देंगे बच्चों, कॉन्टेक्ट नंबर, अपने मोबाइल नंबर, ताकि अगला हमसे कॉन्टेक्ट कर सके। कॉन्टेक्ट नंबर में कोई भी मोबाइल नंबर आप लिखेंगे, अपने एक्सपायर कुछ भी लिख दिया, जैसे कुछ भी नंबर हम दे सकते हैं,
बच्चों कई क्या होते हैं, अपनी जो जानकारी वो छुपाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, बॉक्स नंबर देते हैं। तो हम या तो अपना एड्रेस दे देंगे या ओब्लिक लगा के लिख देंगे बॉक्स नंबर, जैसे 15 है इन राजस्थान पत्रिका। फिर इसके बाद बच्चों क्या है, बॉक्स को बंद कर देंगे। ये आपका हो गया मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट। तो बच्चों इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले ब्राइड ग्रूम की डिटेल्स दी है, फिर ब्राइड कैसी चाहिए उसकी डिटेल्स है, फिर हम किस टाइप की मैरिज होगी, सिंपल मैरिज होगी उसकी डिटेल्स दे दी है, फिर हम लिखेंगे कि बायोडाटा और रिसेंट फोटोग्राफ भेजने के लिए, और फिर हम अपना एड्रेस देंगे, और या फिर एड्रेस नहीं देंगे तो बॉक्स नंबर जो भी न्यूज़पेपर वाले प्रदान करते हैं वो देंगे। तो बच्चों इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, अलायंस इन्वाइटेड, पहले तो लिखेंगे बॉक्स के अंदर कैपिटल लेटर में ब्राइड वांटेड वधु चाहिए, अलायंस वांटेड संबंध आमंत्रित किए जाते हैं फॉर ए स्मार्ट एंड हैंडसम शर्मा बॉय, एक स्मार्ट और हैंडसम से शर्मा बॉय के लिए, उसकी एज है 25, हाइट है 5'7" और वो क्या जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट लेक्चरर है अलसी समय, लुकिंग फॉर मतलब तलाश कर रहा है फॉर ए स्लीम एंड ब्यूटीफुल, एक पतली सी सुंदर सी लड़की की, वेल एजुकेटेड हो जो अच्छी पढ़ी लिखी हो और एक बहुत ही अच्छे परिवार से हो। आगे हम कहेंगे कास्ट नोवा, जातिगत बंधन नहीं है, नो डोरी, किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया जाएगा, सिंपल मैरिज होगी, राइट। अगले फिर हम अगली स्टेप में कहेंगे कि राइट विद कंप्लीट बायोडाटा, पूरे बायोडाटा के साथ आप लिखें और क्या करें, रिसेंट फोटोग्राफ, हाल ही का, क्या है रिसेंट मतलब हाल ही का, अभी जो खींचा हुआ है हाल ही का, तो हाल ही का फोटोग्राफ भेजें। फिर हम देंगे 2 लगाकर, एड्रेस राकेश कुमार वार्ड नंबर 7 एलसी सर झुंझुनू, फिर हम देंगे कॉन्टेक्ट नंबर, और उसके लिए आप कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दे रहे तो बॉक्स नंबर जो कि न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं वो। तो ये बच्चों हो गया मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें क्या है ब्राइड ग्रुप के लिए कैसे एडवर्टाइजमेंट देंगे वो हम देखेंगे। तो देखिए, मिस्टर हरिराम जंगिड इज लुकिंग फॉर ए ब्राइड ग्रूम फॉर हिज सिस्टर। तो इसमें बच्चों क्या है, हरिराम जांगिड़ है वो एक दूल्हे की तलाश कर रहे हैं, किस लिए, अपनी सिस्टर के लिए। राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन लिखिए टू गेट इट पब्लिश्ड इन द मैट्रिमोनियल्स कॉलम्स ऑफ ए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के वैवाहिक जो कॉलम है उसमें आपको एक विज्ञापन देना है। तो बच्चों लिख के देखते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। तो बच्चों बॉक्स में सबसे पहले इसको ऐसे लाइन कर लेना आप दूसरी, और उसमें अब हमें क्या चाहिए, ब्राइड ग्रूम चाहिए, तो हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे ग्रूम वांटेड। अब जो पहले हम शो करेंगे जो लड़की है अपनी उसकी डिटेल्स, जो ब्राइड है उसकी डिटेल्स शो करेंगे, दूसरे नंबर पे लड़की में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आ जाएंगी, तीसरे नंबर पे हम उसके लिखेंगे कि उसकी बायोडाटा और फोटोग्राफ सेंड करें, चौथे नंबर पे हम क्या करेंगे उसकी एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर अपने देंगे। तो करते हैं स्टार्ट, सेम वही पैटर्न में करेंगे, अलायंस इन्वाइटेड, अलायंस इन्वाइटेड फॉर ए स्लिम एंड ब्यूटीफुल क्या है, कास्ट उसकी जांगिड, तो कर देंगे जांगिड ग्रल। इसका क्या हुआ बच्चों, कि संबंध आमंत्रित किए जाते हैं, एक स्लिम सी और ब्यूटीफुल सी जांगिड ग्रल है, और क्या है उसका, वो क्या उसका दिखाएंगे, गवर्नमेंट
जॉब करती है, गवर्नमेंट टीचर एट कोटा, जो कि कोटा में क्या है, गवर्नमेंट टीचर लगी हुई है। लड़की की डिटेल्स हमने दे दी है, अब हम क्या बताएंगे कि लड़की की क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हमें। लुकिंग फॉर, अच्छा बच्चों उसकी एज और हाइट भी हम शो करेंगे जो हम भूल गए हैं। एज 25 एंड हाइट उसकी क्या है 5.6, ये हम साथ में शो कर देंगे। लुकिंग फॉर ए स्मार्ट एंड हैंडसम बॉय, तो कैसे तलाश है एक स्मार्ट से हैंडसम से बॉय की। अब लड़की गवर्नमेंट टीचर में है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही ढूंढेंगे, तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए। कास्ट नोवा, ठीक है, जातिगत बंधन नहीं है। अब लड़की वाले एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं तो वो शो करना नहीं जरूरी है कि नो डोरी, मतलब दहेज नहीं लिया जाएगा, तो लड़की वाले तो वैसे ही दहेज नहीं लेते तो वो बात हम शो नहीं करेंगे। अब हम तीसरी स्टेप में क्या लिखेंगे कि अपने जो कंप्लीट बायोडाटा है उसके साथ वो हम को लिखें, तो क्या करें, ऐसे शो कर सकते हैं सिंबल मैरिज होगी, तो राइट विद, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, राइट विद कंप्लीट बायोडाटा एंड ए रिसेंट फोटोग्राफ आगे, फिर हम वो एड्रेस देंगे जहां पे हमें बायोडाटा फोटोग्राफ मंगवानी है, तो एड्रेस क्या देंगे बच्चों, हरिराम जंगी टू हरिराम जंगी एड्रेस कर देते हैं, नियर बस स्टैंड, कोई भी एड्रेस देंगे, नियर बस स्टैंड अलसी सर, और उसके साथ में दे देंगे कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट नंबर के बच्चों क्या देंगे, कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर दिख देना, तो इसमें बच्चों हमने क्या जाना कि सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे, लास्ट में बच्चों क्या, पहले तो बॉक्स को बंद कर देते हैं। अब देखते हैं, इसको रिपीट करते हैं, ग्रूम वांटेड इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, फिर है अलाइंस इनवाइटेड संबंध आमंत्रित किए जाते हैं, किसके लिए, फॉर ए स्लिम एंड ब्यूटीफुल जहांगीर गर्ल, पतली और सुंदर जहांगीर लड़की के लिए जो क्या करती है, गवर्नमेंट टीचर है कोटा में, एज उसके बच्चों 25 है और 5'6" हाइट है। आगे क्या लिखेंगे, लुकिंग फॉर, तलाश कर रहे हैं, और स्मार्ट एंड हैंडसम, लड़का स्मार्ट और हैंडसम होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, कास्ट नोवा, जातिगत कोई बंधन नहीं है, फिर आगे हम लिखेंगे राइट विद कंप्लीट बायोडाटा एंड ए रिसेंट फोटोग्राफ, बायोडाटा के लिए कहेंगे और फोटोग्राफ भेजने के लिए कहेंगे, एड्रेस अपना देंगे टू हरिराम जहांगीर नियर बस स्टैंड अलसी सर, कॉन्टेक्ट नंबर देंगे। तो इस प्रकार बच्चों ये हो गए मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। आगे हम करेंगे हाउस फॉर सेल, इसके लिए कैसे एडवर्टाइजमेंट देते हैं। बच्चों जो मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट हम बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, अलायंस
इनवाइटेड। तो हम क्या करेंगे, अलाइंस इनवाइटेड। और वीडियो में स्टार्टिंग में मेरे से क्या गलती से वांटेड बोल रही हूँ लेकिन इनवाइटेड बोल रही हूँ लेकिन लिखा गया वांटेड, तो हम इसको इनवाइटेड पढ़ेंगे। आप वांटेड नहीं याद करें, इनवाइटेड याद करें। तो क्या करेंगे, अलाइंस इनवाइटेड।